मिनिस्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के देहरा कैंपस में सुविधा ना देने पर छात्रों ने आज ताला लगाकर क्लासों का बॉयकॉट किया और प्रदेश सरकार और सीयू मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। हेलो, मैं यहाँ पे नीलाक्षी आई हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बट यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। हम यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से आ गए हैं, बट ना तो यहाँ पे हॉस्टल है, ना कैंटीन है, ना बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही है हमें। मतलब हमें बस ठगा गया है यहाँ। बताते चले कि देहरा में एक दशक पहले घोषित सीयू के स्थापना को लेकर राजनीतिक दो परिवारों की आपसी खुन्नस के चलते सीयू की तत्कालीन मुख्यमंत्री की घोषणा और देहरा की भूमि सीयू के नाम ट्रांसफर होने के बावजूद भी 9 साल यह शिलान्यास नहीं हो सका और अब शिलान्यास भी हो चुका है लेकिन एक साल में एक भी ईंट नहीं लगी और देहरा में किराए के कैंपस में छात्रों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था, सीयू का क्लरिकल स्टाफ और कैंटीन इत्यादि भी न होने के कारण छात्रों में रोष है। हम जिस वक्त इस विश्वविद्यालय में आने के लिए अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल कर रहे थे तो उस समय इस केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के वेबसाइट पर पोर्टल पे जो पिक्चर यूनिवर्सिटी की या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बातें की गई थी वो जब हम यहाँ पर आए तो उसके बाद वो सारी बातें उसके बिल्कुल विपरीत हो गई। हम यहाँ पर आए ना हमारे लिए यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, ना ही गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है और हमें बहुत ज़्यादा रेंट देकर इस ग्रामीण क्षेत्र में रहना पड़ रहा है जो कि हमारे लिए एक मजबूरी हो गई है। हम चाहते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो अथॉरिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए उनकी फैसिलिटी के लिए जो फैसिलिटी दूसरे कैंपस धर्मशाला और शाहपुर के स्टूडेंट्स के लिए दी गई है वही फैसिलिटी हमें यहाँ पर भी दी जाए। 3 घंटे ताले में कैद सीयू परिसर को हिमाचल के VCC कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने धर्मशाला से देहरा पहुंच छात्रों को समझा कर ताला खुलवाया और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही देहरा की जनता से इन छात्रों को किराए के नाम पर सहयोग देने की भी अपील की। इस मौके पर सीयू देहरा कैंपस के सभी अधिकारी और स्टाफ भी मौजूद रहे। कश्यप फ्रॉम सुजानपुर जिला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, और आप देख ही रहे हैं जैसे कि हम आए हैं, मतलब हमें बोल के यहाँ लाया गया है कि आप धर्मशाला में पढ़ेंगे पर हमें कैंपस मिला गया है। ये आप देख रहे हैं, जैसे आप भी देखें, ये कैंपस दिखाएं जिस तरह बच्चे सारे बैठे हैं, ठीक है। ये क्यों बैठे हैं इधर बात, ये हमें टेम्परेरी दिया गया है और ये हमें ऐसे पहले बताना चाहिए था कि हमें जो कैंपस दिया जा रहा है वो टेम्परेरी है तो हम आते नहीं, इधर सुविधाएँ इधर है नहीं, न इधर कैंटीन है और जो हम विद्यार्थी हैं सारे सबका शोषण किया जा रहा है एक हिसाब से जो यहाँ के लोकल्स हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम बलबीर है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हमने आज शिक्षा बंद की गई है क्योंकि इसका कारण ये रहा कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंटों को बताया गया था कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हॉस्टल वगैरह है, स्टाफ वगैरह है, उसको उन सभी बातों को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में AVP के कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा बंद की गई। और साथ ही साथ में प्रशासन को ये भी डिमांड रखी है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थायी कैंपस चलाया जा रहा है उस कैंपस में जो भी मूलभूत सुविधाएं बच्चों को लेके वो पूरी की जाए ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र अच्छे से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। और साथ ही साथ में जैसे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि किराए के नाम पर इन्होंने बच्चों का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया है। जैसे कि इन्होंने रूम के किराए को 5,000 से कम 7,000 तक इन्होंने रूम का किराया बढ़ा दिया है। अगर प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई भी बच्चों की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखती है तो यहाँ के स्टूडेंट धर्मशाला में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पर अपनी क्लासें शुरू लगाएंगे जब तक यहाँ की जो अस्थाई कैंपस है इस अस्थाई कैंपस का निर्माण उचित तरीके से ना हो जाए या यूनिवर्सिटी प्रशासन कहीं और अस्थाई कैंपस देखे वहाँ पर हमारी क्लासें शुरू करवाएँ।